भाई ये है Oppo Enco M31 Neckband का दूसरा भाई Oppo Enco M32। भाई ये 1500-1800 के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुआ है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए ये नेकबैंड मुझे कैसा लगा। भाई इसे हमने 2 दिन पहले ऑलरेडी अनबॉक्स किया बट आपकी खुशी के लिए फिर से अनबॉक्स कर लेते हैं। डब्बे के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे Oppo का नेकबैंड दिखेगा, Oppo Enco M32 लिखा है। पीछे यहाँ पे काफी सारे की हाईलाइट्स है जिनके बारे में हम डिटेल में भाई बताने वाले है। यहाँ पे बस ऊपर से धक्का आ रहा है, डब्बा नीचे से बाहर आ जाता है एंड ऊपर आपको आपका नेक बैंड मिल जाता है, जिसके बाद आपको ये डब्बा मिलेगा। डब्बे के अंदर आपको बाकी एक्सेसरीज जैसे टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप एंड मैनुअल मिल जाएगी। भाई ये टाइप सी केबल की क्वालिटी काफी अच्छी लगी, अच्छी थिक केबल है एंड एकदम छोटी साइज की भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। प्रोडक्ट का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, पहले जैसे Oppo के M31 नेक बैंड जैसा ये बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। M31 में ये बटन्स बाहर साइड थे, इस बार अंदर की साइड कर दिए गए। ये केबल की क्वालिटी को कुछ ज्यादा खास इंप्रूव नहीं किया गया है, पहले भी मुझे ऐसा लगता था थोड़ी सी पतली केबल है, अभी भी वैसा ही लगा। बट मेरे पास अभी भी Oppo का M31 नेकबैंड है, 1 साल से चला रहा हूं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये ऊपर का सिलिकॉन का मटेरियल भी अच्छा है, ये साइड का प्लास्टिक भी अच्छा है। ये लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ Oppo का ब्रांडिंग मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे LED मिल गया, वॉल्यूम बटन मिल गया, मल्टी फंक्शन बटन है, यहाँ पे टाइप सी का बटन है। अब यहाँ पे आपको भाई Oppo वालों ने बेस बूस्ट का बटन स्किप कर दिया जो हमें M31 वाले नेकबैंड में मिलता था। ये चीज मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी, मैं आगे बताऊंगा क्यों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरी प्लास्टिक की टिप्स दी गई है और यहाँ पे विंग टिप्स भी दी गई है, बट प्रॉब्लम ये है कि विंग टिप्स को आप निकाल नहीं सकते हो, निकालोगे तो आप बिना विंग टिप्स के इन्हें पहन ही नहीं सकते। विंग टिप्स के साथ भी ये काफी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं हुआ। ये मैग्नेट्स है, ये चिपक जाते हैं, इनमें चुंबकीय शक्ति है। चुंबकीय शक्ति का मतलब आप इसको बस निकालो एंड 2-3 सेकंड में आपके फोन से पैर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फीचर आपको सारे नेकबैंड से मिलना चाहिए, ये बैटरी काफी बचा लेता है। कंफर्ट इस प्रोडक्ट का काफी सही है, मैंने बोला इनमें विंग टिप्स है पर विंग टिप्स के साथ काफी कंफर्टेबल है। मुझे जनरली विंग टिप्स नहीं पसंद आती है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी सर पटक लिया, ये नहीं जाते हैं। ये नेकबैंड IP55 रेटेड भी है तो आपको अच्छी खासी डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, मैंने बताया एकदम झटपट पेयरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डुअल डिवाइस पेयरिंग है, 2 डिवाइस से साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाते हैं एंड क्विक स्विच है, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन वालों को आप थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे क्विक स्विच कर लेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। ये मुझे जनरली कोई नेकबैंड में देखने नहीं मिलता है, सब जनरली साइमल्टेनियस पेयरिंग यूज करते हैं एंड ये क्विक स्विच देता है एंड ये काफी सही फीचर है फोन से कंप्यूटर, कंप्यूटर से फोन पे वापस आने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम बटन कंट्रोल से वॉल्यूम तो कंट्रोल जाता है, म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो, प्लस वाले को होल्ड करके लगा नेक्स्ट म्यूजिक, माइनस वाले को होल्ड करके लगा प्रीवियस म्यूजिक चले आता है। सीरी गूगल को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो मल्टी फंक्शन बटन को डबल टैप करने से, कॉल वॉल आंसर ये सब हो जाता है। भाई जब आप इस नेकबैंड को फर्स्ट टाइम लगा के ऐसे पावर बटन से ऑन करोगे अंदर आवाज आएगी सब्सक्राइब नॉइस टेक, भाई सब्सक्राइब करो और 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचने में हेल्प करो। अब भाई बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी। Oppo का M31 नेकबैंड का मेन हाईलाइट था उसका साउंड क्वालिटी, M32 का मेन हाईलाइट है इसका साउंड क्वालिटी। 10 mm के ड्राइवर्स, एकदम सर हिलाने वाला धन धन छन छन वाला बेस, काफी अच्छा बेस लगा मुझे। इसका बेस मुझे ऑलमोस्ट M31 के लेवल का ही लगा, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी, क्रिस्प है, क्लियर है। प्रॉब्लम का है इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मुझे यहाँ पे काफी लगा, क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट थोड़े से दब जा रहे हैं। वोकल्स काफी हद तक क्लियर है, हल्के फुल्के सप्रेस्ड है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैंने बेस बूस्ट बटन को मिस क्यों किया। M31 नेकबैंड में भी ये प्रॉब्लम होता था, थोड़ा बहुत आपके इंस्ट्रूमेंट दबते थे, बट हम बेस बूस्ट का बटन दबा के बेस को बैलेंस्ड कर देते थे तब वोकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स काफी अच्छे हो जाते थे। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा बेस हैवी सॉन्ग्स नहीं पसंद है देन आपको आपके फोन के इक्वलाइजर्स में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी एंड देन आपको आपके हिसाब से ऑप्टिमम म्यूजिक मिलेगा। भाई अगर आप एक बेस हेड हो, भाई धन धन छन छन वाला बेस पसंद है ना, देन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा बेस मिलेगा आपको। एक चीज मुझे और एक यहाँ पे मिसिंग लगी, वो है LDAC का सपोर्ट। M31 में LDAC का सपोर्ट मिलता था बट यहाँ सोनी LDAC नहीं दिया गया है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा इसका साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ M32, बट उससे इंप्रूवमेंट मुझे ये इतना बड़ा कोई नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। एंड यस यहाँ पे आपको AAC कोडेक का भी सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने एक छोटा सा माइक टेस्ट भी बनाया है, सुन लो। तो गाइस हम कर रहे हैं माइक टेस्ट Oppo Enco नेकबैंड M32 का। यहाँ मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, ऊपर हमारा फैन फुल स्पीड से चालू है, आप इस वॉइस को सुन के खुद जज कर सकते हो कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑन दिस नेकबैंड कम्पेयर टू M31 इज बैटरी लाइफ। उसका बैटरी लाइफ बहुत पुअर था, 12 तो कंपनी क्लेम करती थी, LDAC के साथ वो 7-8 घंटे पे आ जाता था, यहाँ पे 28 आवर्स है एंड मेरा यूजेज इजिली 22 आवर्स तो मुझे मिल ही गया, जिसके लिए मुझे ऐसा लगा इसका बैटरी लाइफ भी बहुत मस्त लगा एंड यस ये एक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट था। इस अकेले इम्प्रूवमेंट के कारण ही मैं बहुत से लोगों को सजेस्ट कर दूंगा
आगे M31 की जगह M32 ले लूं। ओवरऑल 1700-1800 के प्राइस ब्रैकेट में मुझे ऐसा लगा M32 नेक बैंड इज अ गुड डील। इस वीडियो को जस्ट बनाने के पहले तो मैंने उन्हें ओप्पो की वेबसाइट पे 1500 में देखा है। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, काफी अच्छा नेक बैंड है। एंड आपको ये नेक बैंड बाय करना है तो मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।